क्या आपको ये बात मालूम है कि एसएससी ने आपके लिए रास्ता कितना आसान बना दिया है? उन्होंने डिस्क्रिप्टिव का पेपर हटा दिया, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और अभी लेटेस्ट जो एमटीएस आया है, सब में उन्होंने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, बस यही चारों सब्जेक्ट पे पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया। और एमटीएस में तो उन्होंने गजब का कर दिया, मैथ्स और रीजनिंग को उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया है और जो मेरिट बनेगा वो इंग्लिश और जीएस पर बनेगा। बेटा याद रखिएगा, आप एक तैयारी करोगे और सभी एग्जाम्स दोगे, इनफैक्ट सभी एग्जाम्स, जब तक सरकारी नौकरी हाथ में नहीं आ जाए, आप चूज करने के ना पोजीशन में हो ना आपको चुनना चाहिए। एक बार सरकारी नौकरी हाथ में आ जाए फिर आप जो मर्जी करो ना, आप आईएएस की तैयारी करो, फिर कौन रोकता है आपको। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ चार सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, ये चार सब्जेक्ट की तैयारी करके आप साल में कम से कम 5 से 6 एग्जाम दे सकते हो और बहुत जल्द से जल्द एक नौकरी सुनिश्चित कर सकते हो। एमटीएस का वैकेंसी रिलीज हो चुका है, 12,000 के लगभग इसकी वैकेंसी है, भरना मत भूलना।